तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स विलेजर, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज दार्जिलिंग में है हमारा सेकेंड डे। एंड टुडे आज मतलब हम लोग जा रहे हैं घूमने। यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं ना, चार पांच प्लेसेस हैं, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। गाड़ी हमारी आ चुकी है एंड वी गोना गो देयर। चार पांच जगह, रोज गार्डन और भी पता नहीं कुछ टेम्पल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर हम लोग घूमेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से क्या क्या सिचुएटेड है यहाँ पे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड विद दिस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। यू लुक एट दिस, यहाँ पे पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये फॉग नहीं है, ये बादल है। और पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है, नथिंग एल्स। तो गाड़ी आ चुकी है हमारी, फटाफट गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ पर पहुँचते हैं, देन मिलते हैं। बाय बाय। तो वेल, हम अपने पहले पॉइंट पर आ चुके हैं ना। फर्स्ट पॉइंट इज टेंजिंग रॉक। अरे यार, ये ब्लर क्यों हो रहा है? टेंजिंग रॉक, HMI। इसका इतिहास कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना रॉक है। एंड यहाँ से इसका नीचे का लुक देखो, मतलब बहुत पूरा खाई है यहाँ से। और ये जो पूरा दिख रहा है ना धुंधला धुंधला सा, ये पूरे बादल हैं। हम इतनी ऊंचाई पर हैं और हमने यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए हैं। बहुत ही मतलब इसमें रोप वगैरह लगा करके ना, जैसे ये 1 है 2 है, वो ऊपर वहाँ पे 3 है, इसके ऊपर क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर होता है। फिलहाल यहाँ पर नहीं है ये, क्योंकि बारिश वारिश होकर के ना यहाँ पर फिसलन बन गई है। एंड दिस इज आर फर्स्ट पॉइंट। अब फोटो लेकर के हम यहाँ से निकलेंगे अपने सेकंड पॉइंट पे। पता नहीं सेकंड पॉइंट कौन सा है, बट ये चीज बड़ा मस्त है। इधर से भी देखो, पूरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, कुछ भी क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। टू दिस सेकेंड पॉइंट जहाँ आने वाले थे, और ये है टी गार्डन। ये देखो, कुछ दिख नहीं रहा। वाह वाह, कुछ नहीं दिख रहा है, क्लाउड्स की वजह से कुछ भी विजिबल नहीं है। वरना यहाँ से इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, मतलब बोल तो रहे हैं पहाड़ वगैरह है। अपने अब नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है। लेट अस मूव। अब शायद रॉक गार्डन की तरफ जाएंगे हम। तो अपनी गाड़ी किधर है? अपनी गाड़ी आगे हो सकती है, मेबी। नहीं भैया, आगे भी तो नहीं है भाई। मैं खो गया, लिटरली आई एम लॉस्टेड। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पर है, कौन है शॉप। नीचे नाम पे कौन जगह? पूरी दुनिया घूम करके हैं, हमें छोड़ करके ये इधर भग गए। कहाँ है भाई? अच्छा वो रे, ओहो ड्रेसेस। मैं भी ये लोग अभी ड्रेस पहनने की सोच रही हूँ, वेट अ मिनट। दिव्यांशी, हो लुक एट दिस। ये बस टाइम का खेल है, 2 मिनट में पूरा छुप गया। पहले हम आए थे, मैं थोड़ा बहुत कुछ विजिबल हुआ, फिर से ढक गया। इधर तो पूरा पहले भी नहीं था, एंड इधर अब थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो भी गया। चलो कुछ तो दिखा। सो विद इन दिस, अभी जो लोग आए थे उनको थोड़ा सा दिखा, बट फिर से देखो ये छुप जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी,
हमने देख लिया, बट यहाँ पे भी वही सीन है सेम, वो ढका हुआ है। चलो एक साइड का दिखा, वो भी बहुत है। एक बात बताओ, ये है क्या चीज? अब इधर का पूरा खुल चुका है, इस साइड का एक बार सीन देखो इधर से। यहाँ से क्लाउड्स हट गए, यहाँ से भी हट रहे हैं राइट नाउ, बट इधर के हमें दिखे नहीं है। कोई नहीं, अब देखते हैं जितने टाइम है, अगर दिख गया अच्छी बात है। इधर से फिर से साफ हो गया। यहाँ पे हमने सिनेमेटिक्स वगैरह ले लिए हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पर ये जो पूरा मतलब फॉगी से ना, फॉग नहीं है, इसकी वजह से हमें जो रियल जो सीन है वो हमें नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ पे स्लोपी टाइप के पूरा वेजिटेशन है, यहाँ पर भी पूरे मतलब जो है ना माउंटेन्स वगैरह हैं, सब कुछ ढक चुका है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। तो बैड लक है जो भी है। चलो हम लोग चाय पीने गए थे, एंड वी केम बैक, और हमें दिखा कि यहाँ से फॉग हट चुका है, मतलब जो भी था क्लाउड्स। और आप देखो यहाँ का सीन, ओहो भाई यार, ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा मेरा कैमरे की ऐसी। लुक एट दिस ब्यूटी मैन, लुक एट दिस ब्यूटी, ओ भाई। आने दे मेरे में, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा।